हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने वीडियो को कैसे कट करें, ठीक है। अगर आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी है तो उसको कैसे ट्रिम करें, राइट से या लेफ़्ट से कैसे उसको ट्रिम करें, कैसे काटें कि काट के उसको छोटा करें, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे एक न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप बताएं कि अगर मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी है तो उसको कैसे हम शॉर्ट करें, उसको कैसे हम ट्रिम करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अपने वीडियो को ट्रिम करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है काइन मास्टर। ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद मेरी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मेरी ये वीडियो आप फुल देखते हैं तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि कैसे अपने वीडियो को हम ट्रिम कर सकते हैं, उसको बीच से काट सकते हैं, उसको राइट या लेफ़्ट से कहीं से भी काट के उसको शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल बटन आप प्रेस कर देंगे तो हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहेगी और YouTube की नॉलेज आपको होती रहेगी। और हाँ, अगर YouTube से रिलेटेड या AdSense से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे Instagram पे मैसेज कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम को 24 घंटे में सॉल्व की जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे आप ट्रिम करेंगे, अपने वीडियो को कैसे कट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक चाहिए होता है एप्लीकेशन जिसका नाम है काइन मास्टर। तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर में सर्च करेंगे काइन मास्टर। जब काइन मास्टर सर्च करेंगे तो हमसे कहेगा कि इंस्टॉल करने को, तो हम कर लेंगे इंस्टॉल। हालाँकि मेरे में इंस्टॉल है तो मैं कर लेता हूँ इसको ओपन, ठीक है। जब आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है, आपको प्लस के निशान पे क्लिक कर देना है, उसके बाद एम्पटी प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको मीडिया ब्राउज़र में जाना है और यहाँ से वो वीडियो लेनी है जिसको आपको कट करना है, ठीक है। हालाँकि मैंने ये वीडियो ले लिया, ठीक है। अब इसको मुझे कट करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से कट करना है तो वीडियो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद जहाँ से भी हमें कट करना रहेगा हम इसको अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। चाहे 2 सेकंड पे करना होगा या तो हमें 5 सेकंड रखना होगा, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। अब मान लीजिए मुझे 5 सेकंड में रखना है, इसको कट करना है, ठीक है। तो ये कैंची का निशान दिख रहा है ऊपर, इस पर हम कर देंगे क्लिक, ठीक है। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो हमें काटना क्या है, लेफ़्ट का काटना है, ठीक है। तो ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड, ठीक है। तो हम ट्रिम टू लेफ़्ट पे कर देंगे। ये देखिए लेफ़्ट हमारा कट गया, ठीक है। अगर फिर हमें ऐसे ही हमें राइट का काटना होगा तो हम राइट वाले पे सबसे लास्ट में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि राइट हमारा लास्ट में आएगा। तो हम राइट पे जाएंगे, उसके बाद हमें जितना भी काटना होगा हम उस पर वीडियो पे क्लिक कर देंगे, कैंची के निशान पे क्लिक कर देंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा राइट का कट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमें बिल्कुल सेंटर का काटना है, हमें बीच का काटना है तो कैसे कटेगा। फिर भी वैसे ही कटेगा, मान लीजिए हमें बीच का काटना है, ठीक है, डिवाइड करना है वीडियो को। तो सिंपली हम कैंची के निशान पर जाएंगे और स्प्लिट एट प्ले हेड पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोनों बट गया है, ठीक है, आपस में दो वीडियो हो गए। ये देखिए दोनों आपस में बट गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिम करना होगा, अपने वीडियो को छोटा करना होगा, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। आपको वीडियो पे क्लिक कर देना है, यहाँ से कैंची के निशान पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लेफ़्ट काटना है तो ट्रिम टू लेफ़्ट कर देना है, अगर राइट काटना है तो ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर बेल बटन आप दबा देंगे तो मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको